So hey guys, assalamualaikum. This is Imtiaz. You are watching DXP Vlogs. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So guys, आज दोपहर को अराउंड 1-2 बजे के बीच में एक न्यूज़ आई थी खलीज टाइम की तरफ से कि इंडिया से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से फ्लाइट स्टार्ट होने वाली है 5 अगस्त से. So guys, ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि फ्लाइट वापस से स्टार्ट हो रही है 5 अगस्त से. अप्रैल 24 में फ्लाइट बंद हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो चुके और फाइनली फ्लाइट अब स्टार्ट हो रही है 5 अगस्त से. कौन कौन लोग आ सकते हैं आज के स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा. थिंग आपका रेसिडेंस वीजा यूएई का जो कि वैलिड होना चाहिए. सेकंड थिंग, जो आपने वैक्सीन लगवाई थी कोविड की वो सेकंड डोज कंप्लीट होना चाहिए और 14 डेज कंप्लीट भी होनी चाहिए सेकंड डोज लेने के बाद. थर्ड थिंग, जब आप आएंगे तब आपका 48 आवर्स पहले पीसीआर टेस्ट लेना है और उसमें बारकोड होना लाजम है. थर्ड थिंग, जब आप एयरपोर्ट आएंगे आपके डिपार्चर एयरपोर्ट पे तब आपका रैपिड टेस्ट होगा. फोर्थ थिंग, जब आप दुबई एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे तब भी आपका एक पीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट पे होगा जिसका रिपोर्ट आपको मैक्स 12 आवर्स से 24 आवर्स के बीच में मिलेगा. तब तक आपको क्वारंटीन में रहना है. और फिफ्थ थिंग, आपको अप्रूवल लेना है. अप्रूवल कौन सा? अगर आपकी वीजा दुबई की है तो आपको GDRF अप्रूवल लेना होगा और अगर आपकी वीजा अदर इमिरेट्स की है जैसे अजमान, शारजा, अबू धाबी, रासल खेमा तो आपको ICA अप्रूवल लेना होगा. तो विदाउट अप्रूवल आप आ नहीं सकते. सो ये बात हो गई रेसिडेंस वीजा जिनकी वीजा वैलिड है. अब बहुत सारे भाई लोग की वीजा वैलिड नहीं है जिनकी वीजा एक्सपायर हो गई है तो उनके लिए अभी तक फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया है. सेकंड थिंग, जो टूरिस्ट वीजा पे आना चाहते हैं उनके लिए भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि कब टूरिस्ट वीजा वाले लोग ट्रैवल कर सकते हैं. सो मे बी इन फ्यूचर अपडेट आएगा. सो गाइस, अभी शाम के ऑलमोस्ट 5-6 बज चुके हैं और ये जो न्यूज़ आई थी वो ऑलमोस्ट 1-2 बजे के बीच में आई थी आफ्टरनून के टाइम पे. बट अभी तक एयरलाइन से ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है तो मे बी आफ्टर 24 आवर्स और मे बी कल तक ये सर्कुलर एयरलाइन की तरफ से आ जाएगा. उनके क्या प्रोटोकॉल आपको फॉलो वगैरह करने होंगे. सो गाइस, नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी एक ट्वीट करके बताया है कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया, उगांडा ये कंट्री से आप आ सकते हो अगर आपकी वीजा वैलिड है. आप देख सकते हो वो लोग ने ट्विटर पे भी शेयर किया कि कैटेगरी अलाउज फ्रॉम एंटरिंग द यूएई फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया एंड युगांडा. Those with valid residence visa who receive the 2 doses of vaccine in the UAE, okay, and that 14 days passed since receive the second dose, as well as having vaccine certificate approved from official authority in the country. और guys, अगर आप medical staff हो, आप nurse हो, doctor हो, आप student हो, teacher हो, तो भी अगर आपने vaccine नहीं भी लिया है, तो फिर भी आप इधर आ सकते हो. और अगर vaccine लिया है, फिर भी आप दुबई में आ सकते हो. So guys, ये था छोटा सा update जो मैंने आपको बताया. I hope के tourist visa वालों के लिए भी flight जल्दी से जल्द open हो जाए क्योंकि बहुत सारे tourist लोग आना चाहते हैं दुबई, but आने पा रहे अप्रैल से. मतलब कितने लोग तो वीजा इशू करके भी रखे थे और वीजा भी एक्सपायर्ड हो गया बट वो लोग आ नहीं पाए बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन. सो आई होप कि जल्दी से जल्द टूरिस्ट वीजा वालों के लिए भी फ्लाइट जल्दी से जल्द ओपन हो जाए. सो ये थी आज की गुड न्यूज उन भाइयों के लिए जो आना चाहते हैं वापस दुबई में, जो ऑलमोस्ट गए अप्रैल में वैकेशन में और स्टक हो चुके बिकॉज फ्लाइट तब से बंद हो चुका था और वो लोग आ नहीं पाए. तो आप अभी आ सकते हो और आपकी नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल जॉब, नॉर्मल बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो. एयरलाइन की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है, कोई भी ऐसा सर्कुलर या कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई भी अपडेट नहीं है उनके वेबसाइट पे या उनके ऐप पे. तो गाइस प्लीज़ मॉनिटर करते रहो और अगर जैसी कुछ अपडेट मिल रहा है आपको एयरलाइन की वेबसाइट या उनके ट्विटर हैंडल पे या उनके ऐप पे तो आप डायरेक्टली फ्लाइट बुक कर सकते हो और आप दुबई आ सकते हो. वीडियो बना ही रहा था और इत्यादि एयरलाइन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, आप देख सकते हो स्क्रीन पे. तो अभी कंफर्म न्यूज़ है कि आप आ सकते हो, आप फ्लाइट बुक कर सकते हो और जो जो प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है आप कर सकते हो. ये थी छोटी सी अपडेट फ्लाइट के ऊपर. सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना, दूसरे वीडियो जाके चेकआउट करना, अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलता हूँ मैं फिर किसी ऐसी वीडियो में. टिल देन बाय बाय.